चलो जितने भी हैं सारे डीजल सेवक के, डीजल सेवक इतना भी धूप में रख देना, बरसात में रख देना, पपड़ी जमने वाली समस्या। हिंदुस्तान का पहला बोलने और सुनने वाला ट्रैक्टर। अच्छा, बिल्कुल। मतलब आप बोल सकते हो कि मन मुताबिक इस ट्रैक्टर को आप चला सकते हो, वगैरह एक एक चीज पे आपको एस्कॉर्ट का निशान जो पाना तो है। इंडिया नंबर वन सेंसिबल लिफ्ट, सेंस नाखून के बीच में, इसको दो जगह रोक सकते हो, या 5 साल या 5,000 घंटे आपको इसकी वारंटी मिलती है। अगर 46.2 हार्स पावर आपको वीडियो की ताकत इसके अंदर मिलती है, उसके लिए 3 वर्ष बढ़ाना चाहते हैं, 1 वर्ष बढ़ाना चाहते हैं, विजिबिलिटी है, देखने की तो विजिबिलिटी है, डीजल मेंटेनेंस अच्छा है, तो ये सब बोले डीजल मेंटेनेंस। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज पहुंचे हैं आरबी ट्रैक्टर्स बड़नगर, पावर ट्रैक का ये शोरूम है। तो देखेंगे अपन यूरो नेक्स्ट 50 की आज डिलीवरी है। आपका स्वागत करता है जी। ये है हमारा यूरो 50 नेक्स्ट से आप समझ जाते हैं, नेक्स्ट मींस अगला। ये डायरेक्ट अगला, मतलब नेक्स्ट जनरेशन के लिए ट्रैक्टर बना है। सारी सुविधाएं इसमें आपको मिल जाती है, और पावर ट्रैक जो आपको सबसे मेन चीज भरोसेमंद, आपका एस्कॉर्ट जी। एस्कॉर्ट 70 साल पुरानी कंपनी, हिंदुस्तानी कंपनी, सबसे बड़ा भरोसा आपका ये होगा। बाकी मजबूती वगैरह, खूबसूरती वगैरह, सभी चीजों का ध्यान दिया गया है। बिल्कुल, काफी मार्केट में सबसे किफायती ट्रैक्टर के नाम से जाना जाता है हमारा पावर ट्रैक। पावर ट्रैक किफायती ट्रैक्टर, हर मॉडल पे आपको डीजल सेवर प्लस मिलेगा। अच्छा, हर मॉडल डीजल बचत के साथ मिलता है आपको, ऐसा नहीं कि कोई स्पेशल हो, जितने भी हैं सारे डीजल सेवर के साथ। डीजल सेवर है ना, थोड़ा सा अगर देखा जाए तो लुक वाइज भी उसको थोड़ा सा जो है स्पीकर वगैरह कंफर्टेबल मिल जाती है। गियर साइड शिफ्टेड दे रखे हैं, पूरे साइड में कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई बेंड करके मुड़ा के वो दिया, मुड़ा के नहीं दिया गया, पूरा साइड असली साइड शिफ्ट उसको बोल सकते हैं। हां, इसलिए। और स्टीयरिंग भी जो कार में जो आपकी इस्तेमाल होती है आजकल, शॉर्ट स्टीयरिंग जो आपकी जागो में ना टकराए, नोक के साथ में आपको मिल जाती है। सीट एडजस्टेबल आपका ये हो जाता है। अगर बात करते हैं बैटरी पूरी साइड में दे रखी है, केमिकल वगैरह भी निकलता है, कलर वगैरह खराब नहीं होगा। इनके भी कलर पूरे मेटालिक चालू किए हुए हैं, आप कितना भी धूप में रख देना, बरसात में रख देना, पपड़ी जमने वाली समस्या, पपड़ी वाली समस्या पूरी तरह से खत्म। स्टीयरिंग आपको दोनों साइड पंप मिलता है इसके अंदर, एक पंप इस साइड है और एक पंप आपको इसी के साथ साथ उस साइड में मिलता है। ये देखिए दोस्तों, ड्यूल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग है, जो कि सबसे जो कि बेस्ट आजकल कारों में मिलता है, जो जी, कारों जी, में देखने को मिलता है वो वाली चीज है। ये यहाँ से नॉब इसका खुलता है ना, खुलता है ये आपका बिल्कुल कार में, और ये भी पूरी मेटल बॉडी के साथ में। अच्छा, फाइबर बहुत कम इस्तेमाल होता है जी, जी, जी। पूरा मेटल मजबूती आपको काफी मिलती है, रेडिएटर से दूरी काफी अच्छी मिलती है आपको, जिसकी वजह से आप लंबे समय तक ट्रैक्टर को चलाते हैं तो ट्रैक्टर गर्मी नहीं पकड़ता। ये चीज आती है, एक जो ये चीज दे रखी है 24x7 केयर डिवाइस, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मोबाइल की तरह इस्तेमाल होता है ये, है आपका 24 केयर डिवाइस। केयर से आप सीधा सा समझते हैं केयर, मतलब ध्यान रखना। यही चीजें आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है, आपको कुछ समस्या है, कैसा भी है, तो आप ये बटन दबाइए 10 सेकंड तक, डायरेक्ट कंपनी में मैसेज आएगा, कंपनी से डायरेक्ट फोन आएगा। अच्छा, हिंदुस्तान का पहला बोलने और सुनने वाला ट्रैक्टर। अच्छा, ये बोलेगा भी सही और आपकी सुनेगा भी सही। अच्छा, इसी के साथ साथ आपके आप मोबाइल में जो है लोकेशन ट्रेस कर सकते हो, ट्रैक्टर आपका कहाँ चल रहा है वो सुविधा आपको मिल जाती है। इसी के अलावा आपको कुछ भी अगर ट्रैक्टर के बारे में जानकारी चाहिए तो वो आपको ये प्रोवाइड करता है। वाली चीज आती है, पावर स्टीयरिंग पूरा सेपरेट आइल दे रखा है, पूरा मेटल, मतलब जितना हो सके इसमें मेटल का इस्तेमाल करा है, फुली मेटल वगैरह सारी चीजें बहुत कम है, मजबूती काफी आपको मिलती है, तो ये चीज हो जाता आपका। उसी के साथ साथ बोस का 3 सिलेंडर पंप मिलता है इसके अंदर, बोस का है ना सर? हाँ, बोस का 3 सिलेंडर पंप मिल जाता है, आप देख ही रहे हैं। साथ ही साथ जो आपको ये जो जबरदस्त चीज है, ये क्या है, लिफ्ट कंट्रोल वाल्व, थोड़ा सा बताया, ये आपका लिफ्ट कंट्रोल वाल्व है। नॉर्मली लिफ्ट आपकी ऐसे इस्तेमाल होती है, अगर मान लो आप इसको यहाँ पे कर देते हो इस साइड, तो ये आपकी लिफ्ट पूरी लॉक हो जाती है। अगर मान लो कोई बच्चा भी है बोनट पे बैठा है और अगर उसने पाँव से लीवर नीचे कर दिया, तो आपकी लिफ्ट नीचे नहीं आएगी, कहीं ना कहीं हादसा होने से आपका बिल्कुल। आप कोई सीडिल सेट कर रहे हैं तो उसे नीचे घुस के काम कर रहे हैं, लॉक कर देंगे तो सीधे नीचे आने का चांस खत्म हो जाता है। जी, जी। उसी के साथ साथ अगर आप इसको बीच में इस्तेमाल करते हैं तो बहुत धीरे काम करता है, जैसे आपका आलू प्लांटर हो गया, अगर आप लीवर एकदम से भी उतारेंगे तो झटका नहीं लगेगा, बिल्कुल स्लो जाएगा, जो है लैंडिंग बिल्कुल आसानी से आपकी स्लो हो जाएगी। अच्छा सर, इसमें एक मैच पूछ रहा था,
ये जो स्पीकर्स दिए हैं ये इनबिल्ड है या आप अलग से इसको नहीं, नहीं, ये जो है आपका जो आगे से कंपनी फिटेड है, कंपनी फिटेड है। मेन इसका क्या था, जैसे कोई भी बैठा रहता है, बच्चे अधिकतर बैठते हैं बोनट पे, उनका पांव जो है लिफ्ट वगैरह में नहीं जाता, इस पे आपको सपोर्ट मिल जाता है, इस पे सपोर्ट मिल जाता है जिसके कारण पांव डायरेक्ट नीचे लिफ्ट के अंदर नहीं आता है। तो सेफ्टी के हिसाब से भी आपको ये होता है, ये वाली चीज आता है। अच्छा, ये गियर इसका थोड़ा सा सिस्टम बता, ये जो आपका है जो आपका पूरा साइड शिफ्टेड गियर है, जो नॉर्मली जो आपका गियर आता है 1, 2, 3 और 4 और रिवर्स वाला। अच्छा, ये तो आपका नॉर्मली है, इसी के साथ उसी के साथ साथ हाई लो मीडियम आपको सेट करता है। ये देखिए हाई लो मीडियम के साथ में ABC। अच्छा, तो ये कौन सा कैटेगरी का है, कॉन्स्टेंट मैच या सिंक्रोनस? ये आपका है कॉन्स्टेंट मैच गियर है, फुली कॉन्स्टेंट। और ABC आपको हर तरह की रफ्तार प्रोवाइड कराता है, बिल्कुल। मतलब आप बोल सकते हो कि मन मुताबिक इस ट्रैक्टर को आप चला सकते हो। आपको धीरे चलाना हो, आपको तेज चलाना हो, आपको रोड पे रफ्तार चाहिए, आपको खेत में रफ्तार चाहिए, हर तरह से आपको ये होता है। उसी के साथ साथ अभी तक अगर हम बात करें तो विदेशी टेक्नोलॉजी जो है आपका स्पीड आपको देती थी, लेकिन अभी आपको यही चीज स्वदेशी चीजें मिल जाएगी। आप एक ट्रैक्टर को 50 नेक्स्ट को लगाइए, एक तरफ आप कोई सा ट्रैक्टर लगाएंगे तो उससे कहीं ना कहीं आपको रफ्तार भी इसमें तेज मिलेगी, तेज मिलेगी। नेक्स्ट मतलब आप समझते जाइए अगला एक कदम आगे, एक कदम आगे। सर, इसके टायर के बारे में थोड़ा सा टायर की बात करता हूँ तो 14 और 28 के टायर पीछे की साइड मिलते हैं आपको। इसमें ऑप्शनल भी आता है क्या? नहीं, ऑप्शनल नहीं आता, 14 ही आते हैं 52 HP में। और आपको आगे की साइड 750-16 के आते हैं। 750-16 ये देखिए दोस्तों, 750-16 के बड़े टायर हो जाते हैं, जिससे लुक है और जोर है जबरदस्त आ जाता है। मजबूती वगैरह की बात करते हैं तो मजबूती काफी दे रखी है में। आप इसके एक एक चीज पे एस्कॉर्ट का निशान देख सकते हैं, मतलब इसके आर्म्स वगैरह एक एक चीज पे आपको एस्कॉर्ट का निशान जो पाना जो है लोगों छोटे से छोटे बोल्ट और एस्कॉर्ट का खुद का मैन्युफैक्चर है। हर आपको मिल जाता है डीसी वाल वगैरह कंपनीफिटेड मिल जाता है आपको, जो मल्टीप्लो का सिस्टम होता है डीसी वाल होता है, ये आपको कंपनीफिटेड मिल जाता है ये सुविधा। ये जो है 3 पॉइंट आपकी सेंसिंग, जो क्या होता है सेंसिंग, आप भी जानते हैं दोस्तों के बिना सेंसिंग के ट्रैक्टर है जो लिफ्ट वर्क ठीक से नहीं कर पाता है। इसमें इंडिया की नंबर 1 सेंसिबल लिफ्ट देते, ये दोस्तों यहाँ पे लिखा भी होगा, आगे लिखा है इंडिया की नंबर 1 सेंसिबल लिफ्ट आपको इसके अंदर मिलती है। इंडिया नंबर 1 सेंसिवन लिफ्ट, सेंसिवन से आप सीधा सा समझते हैं सेंसर, इसको बहुत क्विक सेंसर दे रखा है। अगर आपको सेंसिंग करवाना है तो आप जो सबसे नीचे वाला मुलायम मिट्टी में जब आप चलाते हैं तो इस होल का इस्तेमाल कीजिए, अगर आपकी हार्ड मिट्टी है तो ऊपर वाले क्षेत्र का, और जो मीडियम है उसमें आप ये बीच में चला सकते हो, मतलब आपके हिसाब से आप इसकी लिफ्ट की सेटिंग कर सकते हो। उसी के साथ साथ बात करते हैं जो लिफ्ट की कैपेसिटी है, और वो है 120 सेंसिवन स्टेप के साथ 2000 किलोग्राम इसकी लिफ्ट की उठाने की क्षमता। अच्छा अच्छा, 120 स्टेप यानी कि आप इस नाखून के बीच में इसको दो जगह रोक सकते हो। आप कोई सी भी लिफ्ट उठाते हो, एक इंच पे काम करती है मेरी ये ट्रैक्टर, आप जो देख रहे हो या इस नाखून के बीच में आप दो जगह सेट कर सकते हो, इतना बारीक से बारीक आप इसको चला सकते हो। देखो दोस्तों कितनी महत्वपूर्ण बात बताइए, जानकारी बहुत महत्वपूर्ण चीज आती है। आपको जो है दोनों तरफ से लेवलिंग रोड मिलती है जो सेटिंग के लिए काम आती है, एक आदमी भी इस पे रोटावेटर पंजा वगैरह कुछ फांदना हो तो उसको प्रॉब्लम नहीं आती, उसको दिक्कत नहीं आती, आसानी से इस पे लगा सकता है। ये चीज मिल जाती है, चेन की जगह हेवी पार्टी दे दिया है, पहले चेन इस्तेमाल होती थी अब पार्टी है, ताकि आपका जो है टकराए नहीं, ये वाली टकराए नहीं और मजबूती बन जाती है, थोड़ी बन जाती है। ये हिस्सा भी आपका पूरा 5 साल वारंटी में कवर होता है साहब, 5,000 घंटे या 5 साल या 5,000 घंटे आपको इसकी वारंटी मिलती है, और ये कंपनी आपको लिखित में देती है, जो आपकी वारंटी है वो आपको कंपनी लिखित में देगी, 5 साल या 5,000 घंटे आपको वारंटी मिलती है। ये चीज आता है, इंडिपेंडेंट क्लच मिल जाता है आपको, ये हो गया ओरिजिनल डबल क्लच, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, ये इंडिपेंडेंट है, ये आपका पीटीओ का सारा काम इसी क्लच से होगा, ये आपका पीटीओ का क्लच हो गया, और जो ट्रैक्टर का आता है वो तो आप जानते ही है आपके जो पैरों में होता है वो ट्रैक्टर का, लेकिन यहाँ आपको दोनों तरह से मिलता है, ये सुविधा आपको इसके अंदर मिल जाता है। सर, हिच वगैरह, हाँ सारी चीजें जो है ये कंपनी की जो है मजबूती हैवी, आप देख सकते हो एक कीला वगैरह जो है बहुत मजबूत और बहुत हैवी दे रखा है। और इसी जानकारी सर पीटीओ के बारे में बताते हैं, पीटीओ की अगर अपन बात करें तो मल्टी स्पीड रिवर्स पीटीओ का ऑप्शन तो आपको मिलता ही है, मल्टी स्पीड। साथ ही साथ इसकी अगर मैं बात करता हूँ पीटीओ की ताकत की, तो लगभग 46.2 हॉर्स पावर आपको पीटीओ की ताकत इसके अंदर मिलती है। अच्छा, 40-45 तक की मशीन पे तो आप इस ट्रैक्टर को बिल्कुल आसानी से चला सकते हैं, उससे कोई लोड ही नहीं आना है, क्योंकि पावर जबरदस्त है। और टायर पे आपको पूरी 52 HP प्रमाणिक ताकत मिलती है, 52 हॉर्स पावर आपको ताकत मिलेगी। अगर बात करता हूँ इसकी, तो जैसे दूसरे ट्रैक्टरों में हाथ में आ जाती है चिलम, लेकिन यहाँ आप देख रहे हो कि बिल्कुल हेवी और मजबूत दे रखी है, ये चीज जो है बहुत ज्यादा हेवी है, देखने में फील हो रहा है कि बहुत ज्यादा हेवी है, मजबूती आपको काफी मिलती है। अगर बात करते हैं वेट की, अगर बात करते हैं आप हमारा ट्रैक्टर लेते हैं, कई अन्य ट्रैक्टर लेते हैं, लगभग 2 से 3 क्विंटल वेट का वजन का फर्क आपको मिलेगा।
ये चीज मिल जाती है। कंपनी ने सर्विस वगैरह के लिए भी एक्स्ट्रा चीजें दे रखी है। अगर आपके 5 साल होने के बावजूद अगर आप 7 साल के लिए करना चाहते हैं, उसके लिए 3 वर्ष बढ़ाना चाहते हैं, 1 वर्ष बढ़ाना चाहते हैं, कंपनी सर्विस को लेकर काफी एक्टिव है, इसीलिए आपको केयर बटन जो है वो आपको करा के दिया वो चीज आती है। कितना क्विंटल वेट है इसमें? इसके अंदर आपको 21 क्विंटल 70 किलो वजन मिलता है साहब। ये देखिए इसमें जो हेलोजन लाइट्स वगैरह दिए गए हैं, बहुत ही बड़ी और एलईडी टाइप की, ठीक है, बीच में हेलोजन दिखेगी और आसपास इसमें एलईडी दिखेंगे, ठीक है। ये अपर डिपर के लिए इधर दिए गए हैं। थोड़ा सा अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर नज़र डालें तो ये देखिए आप बिल्कुल कितना एडवांस है इसमें दोस्तों। डिजिटल और एनालॉग दोनों टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया है, तो सारे इंडिकेशंस जो है इसमें दिए गए हैं। और बात करूँ अगर बैठक की तो बहुत ही बेहतरीन बैठक है दोस्तों, और इसकी जो विजिबिलिटी है, देखने की जो विजिबिलिटी है वो बहुत शानदार है। थोड़ी सी बातचीत करते हैं अपन किसान भाई से कि ये ट्रैक्टर क्यों पसंद करा उन्होंने। नमस्कार साहब। नमस्कार। क्या नाम है, पता है, एड्रेस बताए? बहादुर सिंह। गांव का नाम? बहादुर सिंह परमा, गांव लिम्बास। लिम्बास। तो पहले तो सबसे पहले आपको नए ट्रैक्टर की बहुत बहुत बधाई, ठीक है। तो ये पावर ट्रैक ही क्यों चुना आपने? ये डीजल मेंटेनेंस अच्छा है तो ये सब बोले डीजल मेंटेनेंस अच्छा है। अच्छा 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 अच्छा, जानकारी निकाली और उसमें से निष्कर्ष निकाला कि ट्रैक्टर ही अच्छा है ना। तो किस रेंज में, क्या रेट में पड़ा आपको ये? 7.95 है ना। तो 7.95 दोस्तों, यूरो नेक्स्ट 52 HP, तो बहुत ही बेहतरीन ट्रैक्टर है। इसका साउंड भी सुनाऊंगा दोस्तों मैं आपको। बहुत ही बेहतरीन साउंड है दोस्तों, 52 HP। तो ठीक है दोस्तों, ये था। जैसे भी वीडियो लगे लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।